क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड लिस्ट जानना चाहते हैं ना आप लोग। वैसे आप लोग मुझे ये चीज़ बताइए कि आपने इस बार किसको वोट की है, घर से बेघर वो ना हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट आपने कौन से कंटेस्टेंट को ज़्यादा से ज़्यादा वोट की है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। 8 लोग इस हफ्ते नॉमिनेट है। कल इम्यूनिटी टास्क जो है घर में हुआ, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आखिरकार इम्यूनिटी किसको मिली है, और वहीं पर जो है एक बहुत ही बड़ा नुकसान अरुण ने अपना किया है। क्या नुकसान है अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर भी मैं बता देती हूँ, पर फिर भी आप लोग कंटिन्यूसली अगर मेरी वीडियोस देखेंगे तब आप लोगों को पूरी डिटेल्स और पूरी गॉसिप्स जो है मेरे चैनल से मिल जाएगी, और आई होप आप लोगों को सब गॉसिप्स जो है मिल रही होंगी बराबर। तो जो है सना 8वें नंबर पर हैं और अरुण जो है 7वें नंबर पर, 6वें नंबर पर नील, 5वें नंबर पे खानजादी, 4थे नंबर पे अभिषेक, 3रे नंबर पे विक्की, 2रे नंबर पे अरुण और पहले नंबर पे मुनावर फारूकी। तो मुनावर फारूकी तो डेफिनेटली पहले नंबर पे रहेंगे, जब से वो पहली बार इस बार नॉमिनेट हुए हैं और पहली बार जो है वो नीचे नहीं आए और उनकी जनता ने उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया। पर विक्की, इन लोगों को घर वालों को लगता है कि विक्की जो है वो एक्चुअली में जो है जाने वाला है, क्योंकि पिछली बार जैसा उसको फीडबैक दिया था। अभी रही बात लास्ट की, लास्ट में सना रहीस खान है, उसको सबसे कम वोट मिले हैं, और अरुण है 7वें नंबर पे, उसको सबसे कम वोट मिले हैं। और अगर देखा जाए तो बॉटम टू में अरुण और सना है, पर अरुण को जो है इम्यून करने के बाद बिग बॉस ने पूछा भी था कि क्या आप इस बार अपनी इम्यूनिटी यूज़ करना चाहते हैं या आप नहीं, जिसके कारण जो है अरुण ने बोला कि इस बार नहीं, मैं नेक्स्ट बार करूँगा बट इस बार नहीं करूँगा। तो उसने बहुत ही बड़ी कुल्हाड़ी जो है अपने पैर पे मारी और उसको एक थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते जो है अरुण जा सकता है। पर आपका क्या कहना है आप बताइए। और ये बात है कि जैसे ही कोई एलिमिनेशन होगी वीकेंड के वार से पहले ही मैं आप तक अपनी वीडियो के जरिए सब चीज़ें पहुंचा दूंगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।